सोर्स क्या है वेदर का। ओके, तो इसी को अपन लोग समझते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस यदि वेदर में होते हैं तो उसकी जो वजह है वह है आपका सन, जो कि एटमॉस्फेयर पे, सौरमंडल पे पाया जाते हैं। द सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वो बहुत ही बड़ी स्फीयर बना के रखा है एक हॉट गैसों का और वेरी हाई टेम्परेचर वाली। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। सन से हमारी जो दूरी है जहाँ पास अपन लोग रहते हैं या सर्वाइवल करते हैं वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर है, वेरी लार्ज है। ओके, इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इज द सोर्स ऑफ द ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो जो सन के द्वारा एनर्जी सोर्स सेंड की जाती है, भेजा जाता है, वह बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट पे रहती है और यही जो है हमारे जीवन में, हमारे अर्थ में हीट और लाइट का सोर्स है क्या, सन। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि सन क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी का। दैट कॉज चेंज इन द वेदर, जो क्या करता है बेटा वेदर में चेंजेस करता है। एनर्जी ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सोर्स। देखिए एनर्जी ऑब्जर्व होती है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है किसके, अर्थ के सरफेस के द्वारा। ओशन एंड द एटमोसफेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइन द वेदर एट एनी प्लेस। किसी भी जगह की वेदर कैसा रहेगा उसको डिसाइड करने का जो श्रेय है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वह ओशन और एटमोसफेयर को जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर किस तरीके से रहेगी इसको डिटरमाइन करने के लिए। इफ़ यू हैव लिव नियर द सी, यदि आप लोग रहते हो समुद्र के पास वाले एरिया में, दैट मीन्स कोस्टल स्टेट में, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट द वेदर एट ए और प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द डिजर्ट। तब आप लोग देखते होंगे कि आप जहाँ पास रहते हैं वह है प्लेस का जो वेदर है वह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इन द प्लेस ऑफ द डिजर्ट और नियर द माउंटेन। नाउ नेक्स्ट, वॉट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ओके, तो टाइम के बारे में क्या कहना है आपका, उगते टाइम और सन का सेट होते टाइम। यू नो दैट इन द विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आप लोग विंटर के टाइम पर जानते होंगे कि जो डार्क अर्ली होती हैं किस तरीके से उस टाइम पे आप लोगों को खेलने के लिए कह एंड नॉट गेट द मच टाइम, बहुत लंबा वक्त आप लोगों को खेलने के लिए नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन द विंटर देन द समर। समर के कंपेरिजन में जो विंटर का टाइम होता है वह बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेड होता है, दैट मीन्स कम समय का होता है। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिविन एज एंड ऑफ द चैप्टर। तो जो कोशिश करिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह आपका एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हुए, तो आप वो प्रोजेक्ट लीजिए और इस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है, सॉल्व करना है, डाटा तैयार करनी है। बात करते हैं क्लाइमेट की। 7.2 मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। हर दिन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वह वेदर का रिपोर्ट सौंपता है इन द न्यूज़पेपर, रेडियो एज वेल एज द टेलीविज़न। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ओके, तो जो रिकॉर्ड है वेदर का वह प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, मतलब कई पास्ट की कई शताब्दियों को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो देखिए यहाँ बोला गया है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह बहुत कई सालों के, जो पिछले के कई शताब्दियों के वेदर रिपोर्ट को रखता है अपने साथ में और एक टाइम इंटरवल डिसाइड करता है और एक वेदर पैटर्न डिसाइड करता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। तो यदि हम क्लाइमेट की बात करें क्या होता है, तो क्लाइमेट में आप क्या लिखेंगे कि द एवरेज वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त के बाद जो है दोबारा यदि इसी तरीके से क्लाइमेट उस पर्टिकुलर जगह पर, प्लेस पर आता है तो वह उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर यू कैन राइट द व्हाट इज अ क्लाइमेट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ एट अ प्लेस इज हाई, ओके हाई और मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप देखते होंगे कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि ज़्यादातर हाई ही रहती हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द
प्लेस इज हॉट, तो अपन लोग कह सकते हैं कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, हॉट है। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेसेस, लेकिन सेम प्लेसेस पर ज़्यादातर दिनों में हैवी बारिश होती है या हैवी रेनफॉल होता है, तब भी हम उसको उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कह सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। इन द टेबल नंबर 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट टू प्लेस इन द इंडिया। तो 7.2 की एक्टिविटी में टेबल में और 7.3 की टेबल पे अपन लोगों ने दो इंडिया के दो अलग अलग प्लेसों के क्लाइमेट कंडीशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। द मेन टेम्परेचर ऑफ गिवन इन द मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप, किसी भी मंथ का टेम्परेचर है वो दिया जाता है लास्ट के टू स्टेप में। कैसे? फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस मंथ। तो एवरेज एक टेम्परेचर फाइंड आउट की जाती है पूरे मंथ के दौरान, और से